Hi guys, good morning. This is Abdul Khan. Finally, we reach on 27 December. सीरियसली बोलता हूँ, ये जो 27 दिसंबर है, ये खास करके जो बींग हुमेन के साथ में जो अटैच है, बींग हुमेन के साथ में जो काम करते हैं, और स्पेशली सलमान भाईजान के लिए जो काम करते हैं, और जो उनके लिए जो बोलते हैं ना एक फ़ैन, इनके लिए बहुत बड़ा दिन है. और मैं उसमें से एक हूँ. तो लास्ट टाइम वी सेलिब्रेट भाईजान का बर्थडे, थोड़े बहुत हम लोग ने मतलब ब्लैंकेट्स और थोड़ा सा वाटर बॉटल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे. इस टाइम पर हम लोग नहीं किए जैसे काम किए, बट हम लोग ने स्पेशली प्लान किए थे कि इस टाइम पे जो केक कट करना है एक ऑटो रिक्शा टीम के साथ में. और टचवुड अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ. कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हैं जो भाईजान फैन क्लब के साथ में जुड़े हुए, जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हम लोग यहाँ पे आज बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए खड़े हैं. और इट्स अ भाईजान बर्थडे, तो आइए आगे की बात हम लोग उनके साथ में मिलकर करते. प्लीज़ कम. तो स्पेशली मैंने बर्थडे जो कट, मतलब बर्थडे का केक जो कट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था हमारे कौन गांव और कौन तरीके जो विभाग प्रमुख है, शिवसेना विभाग प्रमुख जनाब रियाज मुखरिस साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया, और उन्होंने जो है भाईजान के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा मुख्तसर सा टाइम निकाला है. और आज हम जो केक कटिंग का जो प्रोग्राम करने वाले हैं जनाब रियाज मुखरिस साहब के साथ से, तो आइए थोड़ा सा उनके इस बारे में गुफ्तगू करते, फिर आगे का हम लोग जो केक कटिंग वाला प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला बींग वुमेन ट्रस्ट के लिए, और आप मेरे लिए, और हमारा हम जो काम करते हैं उसके लिए, और भाईजान के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके साथ में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रिक्शा वाले भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप प्लीज़ कुछ दो अल्फाज बोलिए हमारे लिए. माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह करम है कि हमारे सलमान भाई के बर्थडे के लिए हमारे अब्दुल्ला भाई ने इतनी कोशिशें की है, और इंशाल्लाह हम हमारे हाथ से केक काटेंगे इंशाल्लाह. क्या बात है माशाल्लाह. यू नो रियाज भाई, एक एक्चुअली ये जो आइडिया है ना, क्या है कि सलमान भाई का मैंने देखा हूँ कि मतलब उनको नहीं क्या रिक्शा में बैठना बहुत पसंद है, रिक्शा की जो ड्राइविंग उनको बहुत पसंद है, हमेशा करके वो कोशिश करते कि रिक्शा में वो ट्रैवल करें. तो आप रिक्शा वालों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पर? माशाल्लाह रिक्शा वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक को, ये तो पब्लिक सेवा है. और दूसरी बात ये कि कोई आगे जो सामान के रिक्शा में रहेगा या होगा, तो ऐसे बहुत सारे ईमानदार रिक्शा वाले जो इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है. इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है. रियाज भाई को इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा. बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. मुन्ना भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हैप्पी बर्थडे. एक मैसेज है मेरा सभी के लिए भाईजान के बर्थडे पे, स्टे फिट स्टे हेल्दी, एज इज जस्ट अ नंबर, सीरियसली एज इज जस्ट अ नंबर. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे भाईजान.